और बीटेक करने के बाद भी आपको इधर बाबा ऑटोमोबाइल में कैसा मतलब क्या अलग एक्सपीरियंस दिखा? मतलब बीटेक तो काफ़ी अच्छी डिग्री होगी, उसके बाद भी आप बाबा ऑटोमोबाइल का डिप्लोमा लेना चाह रहे हो तो कुछ तो एक्स्ट्रा अच्छा होगा नहीं? हाँ, इधर डेफिनेटली बाबा ऑटोमोबाइल में जो भी नॉलेज इधर मिलता है वो बाकी बीटेक कॉलेजेस में थ्योरेटिकल नॉलेज वो होता नहीं है। और आज के डेट में हर एक कंपनी स्किल ढूंढती है कि जो भी बंदा वो हायर कर रहे हैं तो उस बंदे के अंदर स्किल हो। बिल्कुल। तो हम लोग जो भी बीटेक में नहीं सीख पाए, जो हमारे किताबों में नहीं था, जो प्रैक्टिकल नॉलेज हमको नहीं मिली, तो वो लेने के लिए हम बाबा ऑटोमोबाइल। क्या बात है, थैंक यू भाई, थैंक यू, बिल्कुल थैंक यू। अच्छा, और आप कुछ बताना चाहेंगे भाई SKID से कैसे डिफरेंट है, बाबा में क्यों आना चाहेंगे? बाबा SKID कहाँ और बाबा कहाँ, उसके बाद भी आप लोग बाबा में क्यों आना चाह रहे हैं? देखो, सबसे पहली बात कि कॉलेज के अंदर जो भी होता है ना वो सारा है ना थ्योरेटिकल होता है। ठीक है, उनको सब कुछ पता है कि थ्योरेटिकल में ना बिजनेस कैसे वर्क करते हैं, कैसे वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे अपन प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे वो वर्क में वर्क कर रहा है, कैसे उसके अंदर ना स्ट्रोक्स हो रहे हैं। अच्छा, पिस्टन की मूवमेंट हो रही है। सही है, मतलब उनके जो ऊपर के वॉल्व होते हैं वो कैसे सेट होते हैं, उनको कैसे मूव कराया है, पूरा डिटेलिंग मिल। अच्छा भाई, मतलब आपने MTech करने के बाद भी आपने बाबा ऑटोमोबाइल को ऐसे चूज़ किया, तो उसका कोई रीज़न है? मतलब क्या प्रैक्टिकल इधर कितना आपको सपोर्ट मिलता है, कितनी नॉलेज मिलती है, थोड़ा सा बताएंगे एक मिनट हमारे व्यूअर्स को? प्रैक्टिकल करने आए, हाँ, ऐसे थियोरिकल नॉलेज तो था ही, प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ आए। अच्छा, और कैसे कितने महीने हो गए आपको यहाँ पर? 2 मंथ हो गए। सॉरी, 2 मंथ। 2 महीने हो गए आपको यहाँ पे। कौन सा कोर्स लिया है आपने? 3 मंथ का सिर्फ अपने मोटर बाइक का। ओके, कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। और रहते भी आप यहीं हैं? तो हम, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि बाबा ऑटोमोबाइल अपने स्टूडेंट का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हैं, सिखाने के साथ साथ यहाँ पे रहने खाने पीने सबकी सुविधा है। तो एक बार प्लीज़ ज़रूर विजिट करिए।